हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेन्योर काउंट्स में रोहित आपके साथ। देखिए, बहुत से नए स्टूडेंट हैं जो टैली सीखना चाहते हैं या जो लोग सीख रहे हैं, तो उनका एक सवाल था, ठीक है। जैसे कोई भी जब स्टूडेंट सीखता है तो इंस्टीट्यूट में सीखेगा, ऑनलाइन सीखेगा, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल सीखेगा तो ऑब्वियस बात है उसके पास खुद का लैपटॉप होगा, खुद का कंप्यूटर होगा। तो सीख तो तभी पाएगा जब उसके कंप्यूटर या लैपटॉप में टैली का सॉफ्टवेयर हो। तो बहुत से नए स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, सर आप सिखा रहे अच्छी बात है, लेकिन आप हमको ये तो सिखाइए कि टैली प्राइम, जो टैली का लेटेस्ट वर्जन है, इसे कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे। देखिए, टैली प्राइम टैली का लेटेस्ट वर्जन है, और कोई चीज़ अगर आपको लेटेस्ट आती है तो उसकी बात ही अलग होती है। अगर आपको ERP 9 और टैली प्राइम दोनों आता है तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको टैली प्राइम आता है तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि जब किसी कंपनी में अगर आप जाते हैं और वहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि आपको कौन सी टैली आती है, अगर आप कहेंगे कि मुझे प्राइम आता है, तो आपको पहले प्रीफर किया जाएगा, क्योंकि टैली का जो प्राइम वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन है, और जो लेटेस्ट है उसकी बात ही अलग होती है। तो चलिए फाइनली सीखते हैं कि टैली प्राइम को आपको अपने विंडोज 10 में कैसे इंस्टॉल करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टैली की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है tallysolution.com, इस वेबसाइट में आपको आना है, ठीक है। इस वेबसाइट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट में आ सकते हैं कंप्यूटर से। तो आने के बाद जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे कुछ टॉप में यहाँ पे मेन्यूज आपको दिख रहे हैं, लास्ट में आपको एक मेन्यू दिखेगा डाउनलोड का, ठीक है, इस पे आपको ओके करना है। फिर इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप की विंडो आएगी, तो यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं लिखा टैली प्राइम, और इसका जो करंट वर्जन है वो है 2.1। तो आपको नीचे एक बटन दिखेगा डाउनलोड का, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप देख सकते हैं इसकी जो सेटअप फाइल है वो डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। आपको कुछ नहीं करना, बस वेट करना है। 42 MB की यहाँ पे इनकी फाइल है, तो ये जो फाइल डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेटअप फाइल है यहाँ पे डाउनलोड होगी, इसके बाद इस बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो ओपन करके एक ऑप्शन आएगा, इस पे आपको ओके करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप की विंडो खुल के आएगी। तो देखिए, मैंने इस कंप्यूटर में, जो भी मेरा कंप्यूटर है, इसमें पहले से टैली ERP 9 पड़ा है, तो यहाँ पे मुझको ये ऑप्शन दिखा रहा है अपडेट का। आपके केस में यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखाएगा वो इंस्टॉल का दिखाएगा, तो जो भी आपको इंस्टॉल का बटन नीचे दिखेगा उस पे आपको बस क्लिक कर देना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूँगा, क्योंकि पहले से मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे टैली ERP 9 पड़ा है। तो आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे टैली को इंस्टॉल करें तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दिखेगा, उस पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, ये यहाँ पे अपडेट होना शुरू हो चुका है। आपके केस में यहाँ पे इंस्टॉल लिख के आएगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो इंस्टॉल होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको वेट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा टैली ERP 9 है वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे स्टार्ट करके एक ऑप्शन आएगा, बस आपको इस पर ओके कर देना है, और आपका जो टैली प्राइम है वो यहाँ पे सक्सेसफुली लोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टैली प्राइम है ये ओपन होना शुरू हो चुका है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का विंडो खुल गया है, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे ओके करना है। इसके बाद टैली वॉल्ट पासवर्ड मांग रहा है, आपको कीबोर्ड से एस्केप दबा के इसको स्किप कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो टैली प्राइम है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे आपको विंडोज 10 में यहाँ पे टैली प्राइम को इंस्टॉल करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।